तो फिर स्प्लेंडर बाइक होगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, बैटरी का भी चार्ज छोड़ दिया, कभी फुल होता है कभी नहीं होता है, फिर स्टीयरिंग की प्रॉब्लम होता है, लाइटिंग प्रॉब्लम होता है, इसका वायरिंग बहुत ही काट पड़ रही है। तो हम लोग की वायरिंग न्यू लगाएंगे मिंडा कंपनी का, साथ में क्या लगाएंगे, एक स्विफ्ट कंपनी का रेगुलेटर है, ये हो गया रेगुलेटर, ये चार्जिंग कॉइल हो गया, ठीक है ना, और ये तो हो गया, हम लोग का वायरिंग मिंडा कंपनी का, ठीक है ना, ये वायरिंग हो गया। तो फटाफट से हम लोग टैंक पैनल को खोल लेते हैं, ठीक है ना, खोलो। तो फैनल देखिए, पैनल से टैंक खुल दिए, ठीक है ना। अभी हम लोग का रेगुलेटर का नट खुलना पड़ेगा, 10 नंबर का एक बोल्ट होता है, ये भी खुल देंगे, ये भी खुलो, 10 नंबर ही खुलो, ये वाइजर भी खुलना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर, 20 से 25 मिनट मतलब आधा घंटा का अंदर ये कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, हार्डली आधा घंटा लगेगा। और हम लोग वीडियो जब बनाएंगे 15 मिनट का अंदर ही बना देंगे। तो फिर इग्निशन कॉइल का वायर भी खुल दे, हॉर्न का क्लिप भी खुल दे, देखे थोड़ा बहुत अभी हम लोग खुलते रह रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया रेगुलेटर, ये वायरिंग किट हो गया, यहाँ से हम लोग सब खुल देंगे। तो अब भाईजार भी खुल लेते, खुलो ना, खुल दो इसे, हटाओ। तो फिर हेडलाइट भी खोल लेते थे, है ना। तो फिर देखे लाइट भी खुल चुका है, यहाँ से खुल दो, चलो हटाओ। तो फिर हम लोग का वायरिंग का बॉक्स आ गया, चलो इसको खोल देते हैं, यहाँ से देखे इसका चाबी स्विच खुलना पड़ेगा, हॉर्न का ही, हॉर्न का वायर सब खुलना पड़ेगा। तो फिर फटाफट से हम लोग यहाँ से खोल लेते, ठीक है ना, ये सब जैग खोल लेते, खुलो सब, खुलो जल्दी, खुलो जल्दी, खुल दो तुम, हम फिटिंग कर देंगे, फट से खुल दो, टान टान के खुल दो सब। तो फिर देखिए वायरिंग न्यू लगाने से क्या होगा, इसका बैकलाइट भी सब, फिर भी बैकलाइट असेंबली भी न्यू लगाना चाहिए था, देखिए ये सब क्या है, सब छुआ ने काट दिया था, फिर भी वायरिंग लगा देते, कोई बात नहीं है, चलो इसको निकाल लेते हैं। लाइट बल्ब इग्निशन कॉइल का हो गया, और ये फिर घास रहेगा, ये तो
है नहीं, तो इधर से हेडलाइट में फंसा ली थी। ज़्यादा बड़ा नहीं बनेंगे, टाइम भी नहीं लगेगा, फटाफट से कर देंगे इसका वायरिंग, ठीक है। मैंने इसे फंसा लिया, देखा इधर, तो फिर इधर आ गया। अभी क्या करेंगे, सब तार वायर जुड़ना है, ठीक है ना। इधर भी देखो इग्निशन क्या होता, हो गया इधर भी हो गया, तो इधर से धीरे धीरे फंसा लेते हैं अभी। तो फिर अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए इधर ये रेगुलेटर का हो गया, ये वो ये हो गया पेट्रोल मीटर का हो गया, ये हो गया उसका, ये क्या बनाएगा फंसा। तो फिर ऑयल देते हैं इधर से फंसा लेते हैं, ठीक है ना। ए पकड़ो, रेगुलेटर। तो हम लोग देखिए ये सी डी आई खुल लेते हैं, इसका सी डी आई खुल लिया, रेगुलेटर भी इधर लग जाएगा नया रेगुलेटर। तो इधर रेगुलेटर आ गया, ठीक है ना। इधर एक अर्थ भी है, जैसे अर्थ मार दीजिए, ठीक। ये हो गया ऑयल प्लग असेंबली से आ गया इंजन से, ठीक है ना। मेन तो ये अब आ गया स्टीयरिंग ऑयल बताया है, ठीक है ना। अब आ जाओ, इधर भी कंप्लीट है। आप क्या करेंगे, इसका सीडीआई ना सीडीआई यूनिट लगा देते हैं इधर सीडीआई। तो भाई उल्टा मात्रा से सब का बड़ा बना देना है, तो फिर सीडीआई फिट हो गया, ठीक है ना। सीडीआई फिट हो गया, आप रहते ही था वायर इधर लगा लेते हैं, ठीक। तो बाद में लगाने का ज़्यादा, चलो कोई बात नहीं, इधर लाग चुका है, ठीक है ना। ये हो गया एक ब्रेक का, ये देखो ये ब्रेक का हो गया, पेयर वाला तेल ब्रेक का, पेयर वाला का। ये होगा टैंक से आता है, फिर पेट्रोल टैंक से तेल निकलता, ठीक है ना। इधर इधर भी लगा देते कोई बात नहीं। तो फ्रेंड देखिए रेगुलेटर का 10 नंबर का बोल्ट टाइट हो रहा है, इधर अर्थ भी है, चलो लगाओ। तो इधर टाइट हो गया है, ठीक है ना, रेगुलेटर का काम कंप्लीट। ये हो गया चार्जिंग कॉइल, ये खराब रहेगा तो फ्रेंड बैटरी बढ़ जाएगा, लाइट में भी प्रॉब्लम आएगा, बल्ब कट जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड एक थोड़ा बैठ गया है, इधर से चार के उठा लेते हैं ना, चार उठा गया, अभी उठ गया, बैठ गया था, ठीक है ना। इसे चार उठ गया, कोई बात नहीं, चलो इधर कंप्लीट। अभी हम लोग फंसेंगे इधर, इधर आओ। तो फ्रेंड है वरन का वायर, ठीक है ना, वरन का वायर हम फंसा लेते हैं।
कॉइल का लगभग कम कम चाबी स्विच का, ठीक है ना, इसको भी फंसा लेते हैं। हाँ तो अभी स्टार्ट करते हैं, अभी हो गया, सी बी आई लग गया, रेगुलेटर लग गया, इग्निशन का ऑयल लग गया, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना सर। तो स्टार्ट हो गया, तो फ्रेंड है बहुत सारा तार कटा है, ये थोड़ा टाइम लेगा हम लोग को मिला मिला के लगाना होगा। इसमें घाट जॉइन करेंगे, ये सब घाट ये लॉक जॉइन करके फटाफट से हम लोग फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखें इधर लग चुका जो हॉर्न लाइट का स्विच भी पुराना है, इसलिए काट कट के हम लोग को लगाना पड़ता है। कि अब जो इंडिकेटर का ये सब आता है, गुटका सब सॉकेट सब काट कट के लगाते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आई घंटी मिले उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक जल्दी पहुँचते रहे। तो फ्रेंड वायरिंग का काम हम लोग को कम्प्लीट हो गया, अभी सिर्फ हेडलाइट लगाएंगे, भाइजर लगाएंगे, ठीक है ना। और ये सब हम देखे इस साइड में करते ही कैप उप लगा देते, बिल्कुल सही हो गया। इधर इंडिकेटर बैकलाइट का वायर उड़ सब हम लोग लगा दिए, ठीक है ना। बैकलाइट भी जलेगा अभी, चाबी लाओ। इसका हो गया ना, तो फ्रेंड देखे बैकलाइट भी चालू है अभी। तो फ्रेंड देखे बैकलाइट चालू, बंद करो हेडलाइट बंद करो। देखे बंद कर, देखे अभी थोड़ा पिकअप दो, चलो लाइट बंद करो, बंद करो, अभी बंद है। फ्रेंड देखे बिल्कुल सब सही है, वाप हो गया, वन हो गया, इधर हम फंसाए थे, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया वायरिंग का काम, अभी सिर्फ हेडलाइट लगाएंगे और भाइयार हम लोग फंसाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।